डॉक्टर सुनील दुबे और वैद्य सुभाष दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज। दुबे क्लिनिक, लंगर टोली चौराहा, पटना। देश आज 73वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आज हर भारतीय जश्न में डूबा हुआ है। आज लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झंडा फहराया और देश के नागरिकों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री के भाषण में बिहार भी छाया रहा। उन्होंने बिहार में नीतीश सरकार द्वारा चलाई जा रही हर घर नल जल योजना का जिक्र नए तरीके से किया और इसे जल मिशन का नाम दिया। पीएम मोदी ने कहा कि जिस तरह देशवासियों ने स्वच्छता के लिए अभियान चलाया, अब समय आ गया है कि पानी को बचाने के लिए भी कुछ ऐसा ही किया जाए। पानी को बचाने के लिए हमें 4 गुना रफ्तार से काम करना होगा। हम आने वाले दिनों में जल जीवन मिशन को लेकर आगे बढ़ेंगे। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम करेंगे। इसके लिए 3.5 लाख रुपए खर्च करने की योजना बनी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर घर में जल पहुंचाने के लिए काम करना है, पानी के संग्रह के लिए लगातार प्रयास हो। गौरतलब है कि बिहार हर घर जल का नल पहुँचाने की योजना नीतीश सरकार के साथ निश्चय का हिस्सा है। उन्होंने दुकानदारों का भी आह्वान किया कि वह अपनी दुकानों पर नो प्लास्टिक बैग्स का बोर्ड लगाएं। बता दें कि बीते दिसंबर से ही बिहार में प्लास्टिक की खरीद बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध है। पीएम मोदी ने जनसंख्या नियंत्रण की बात का भी जिक्र किया। बता दें कि जनसंख्या नियंत्रण का मुद्दा बिहार से आने वाले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अक्सर उठाते रहे हैं। उन्होंने जनसंख्या विस्फोट पर चिंता जताते हुए कहा कि हमारा ये बेतहाश जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, यह जनसंख्या विस्फोट हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए अनेक संकट पैदा करता है। जाहिर है पीएम मोदी के भाषण से ये साफ हो गया कि आज भी देश का पथ प्रदर्शक बिहार ही है। कि आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।